सरदरातों में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से बाइक टकराने से युवक की मौके पर दर्दनाक मौत, साथी मित्र घायल। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के पीपरी गांव नेशनल हाईवे के समीप का है, जहां पर कानपुर से अपने मित्र से मिलकर बाइक से अपने साथी के साथ उर्रई की ओर जा रहे थे, जहां पीपरी गांव नेशनल हाईवे समीप मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर संदिग्ध परिस्थितियों में डिवाइडर से टकरा गई, जहां बाइक चालक के हेलमेट के चिथड़े उड़ गए। बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई, साथ ही उसका साथी मित्र घायल हो गया। एक्सीडेंट के दौरान तेज आवाज सुनकर पीपरी गांव निवासी दौड़े, जहां घायल साथी को उठाकर अलाव का सहारा देकर इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कोतवाली भोगनीपुर पुलिस को सूचना दी गई, जहां सूचना पर पहुंची कोतवाली भोगनीपुर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी, साथ ही घायल साथी को उपचार के लिए भेजा। साथ में मृतक के साथी ने बताया कि वह अपने कानपुर मित्र से मिलकर वापस उरई जा रहे थे, जहां उनकी मोटरसाइकिल गाड़ी संख्या UP92AH5875 अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जहां उरई निवासी हर्षित सोने 22 वर्षीय की मौत हो गई। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। वो जो बच्चा है जो अभी बाइक के साथ में था, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अभय। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? सर ये जो खत्म जो हुआ है लड़का, ये कौन था आपका? हर्षित सोनी। अच्छा, कितनी मतलब उम्र होगी? 22 साल। दोस्त से मिलने कानपुर गए हुए थे, तो वापसी के दौरान ही हादसा हुआ। अच्छा, हादसा कैसे हो गया? ये चलो, आपका नाम क्या है? अभय कौशल। आपका? अभय कौशल। और हर्षित सोनी? देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बच्चा बता रहा है जो मृतक युवक के साथ में बाइक में बैठा हुआ था और उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये बच्चा है उसके साथ में, वो ठीक है। आपको चोटें वगैरह तो नहीं आएंगी? देख सकते हैं इसके इस हादसे में भीषण अंदरूनी चोटें आई हुई हैं, लेकिन मौके पुलिस आ चुकी है, इसको चिकित्सक के लिए इसको अस्पताल भेजा भी जाएगा, लेकिन इस कोतवाली भोगनी में पुलिस की नहीं था, हम लोग का था। लेकिन देख सकते हैं, और यहाँ चिकित्सक के लोगों ने बात चाय पिलाई और उसको आग जलवाए गए, पूरा ऊर्जा थी उसको। भैया ये तो ये जो हादसा हुआ उसके मौके पर ठीक है, हम लोग दौड़ के आए तुरंत और उसको आग जलवाई, चाय पिलवाई। देख सकते हैं ये पिपरी गांव के कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा कार था, जैसे इनको जानकारी मिली कि यहाँ पे कोई हादसा हुआ, किसी युवक की इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, मौके में गांव वालों जैसी आवाज मिली यहाँ पर आए और बचे हुए बच्चे को अपने पास अलाव जलाकर उसको तपवाया है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा गाँव के लोगों का, ये खास अगर बता दें कानपुर देहात के लोगों का सबसे अच्छा काम यही है कि अगर कोई ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं तो कानपुर देहात के नागरिक अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस को सूचना भी देते हैं। तो इस खास रिपोर्ट को देखें इंडियन टाइम न्यूज पर जंग बहादुर सिंह साहब। भोगनीपुर थाना क्षेत्र में जहां पर इस वक्त हम नेशनल हाईवे के पास मौजूद है, जहां पर अभी एक कानपुर की तरफ से एक उरई की ओर जा रहा है एक युवक बाइक सवार, अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहाँ उसकी मौके पर इसकी मौत हो चुकी है, जहाँ उसकी डेड बॉडी की सूचना मिलते ही यहाँ पर भोगनीपुर पुलिस मौके पर आ चुकी है। मैं अपने कैमरा साथी कहना चाहूँगा, ये नज़ारा दिखाई विभक्त नज़ारा, तेज रफ्तार के कहर एक बार फिर भोगनीपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहाँ पर एक नए युवक की जान चली गई। तेज रफ्तार का कहर इस कदर था कि युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है, मौके पुलिस आ चुकी है और पुलिस डेड बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की भेजी तैयारी कर रही है। अब पुलिस वालों से पता करते हैं कि जांच पड़ताल में क्या पाएगा, युवक का नाम क्या था, कहां का रहने वाला था। पूरा मामला है कोतवाली भोगनी थाना क्षेत्र के पिपरी नेशनल हाईवे के पास में। लगातार हम हाईवे पे इस एक्सक्लूसिव तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं ये कोतवाली पुलिस मौके पर आ चुकी है। और मैं कैमरा साथी कहना चाहूँगा, मेरे पास आए और ये नज़ारे को दिखाएं। इस वक्त कोतवाली भोगनीपुर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है, पूरी मैं फोर्स आ चुकी है और डेड बॉडी कब्जे में ले लिया गया है। ये एक गाड़ी में डेड बॉडी रख दिया गया, ये इसकी गाड़ी है, ये जो बताई जा रही कि ये युवक उरई का रहने वाला है, उसकी हीरो होंडा गाड़ी है और गाड़ी नंबर है UP92AH5875। ये गाड़ी के नंबर है, दिखा सकते हैं कि ये गाड़ी का नंबर है जो अभी एक्सीडेंट हुआ है करीब 20-25 मिनट पहले। ये भोगनीपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहाँ पर एक नए युवक की जान चली गई। ये तेज रफ्तार कहर है,
जो सर्द रातों में सर्दी के मौसम पर ये एक हादसा हो।